दाखिल की है याचिका। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर यह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कि एक याचिका जो है अब दाखिल की गई है और सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला है ये, उसमें सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे जिसमें उन्होंने 2018 में एक सुनवाई जो होनी है वो ये भी रहेगी कि 2018 में यूट्यूबर पर वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में कई संबंध को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर भी आज सुनवाई होगी। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है जिसमें सीबीआई केस में गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आयुष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ है। आयुष, देखिए एक और याचिका जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि सीबीआई के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो असंवैधानिक था, गलत था, गैर कानूनी था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए बात कही थी कि अगर आपको रेगुलर बेल चाहिए तो आप ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट से चूंकि अरविंद केजरीवाल को कभी भी जमानत नहीं मिली, लोअर कोर्ट से हमेशा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हुई है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में, राउज रेवेन्यू कोर्ट में गए हो, सेशन कोर्ट में गए हो, और अगर अपर कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट भी कभी भी अरविंद केजरीवाल के फेवर में नजर नहीं आया। जितनी बार भी उन्होंने जमानत याचिका डाली, फिर चाहे वो सीबीआई के मामले में हो, ईडी के मामले में हो, हर बार उन्हें झटके मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अरविंद केजरीवाल को दो बार जमानत दी है। एक जमानत उन्हें दी गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई के दोनों मामलों में, और अब उसके बाद जो जमानत उन्हें मिली थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो उन्हें दी गई थी ईडी के मामले में। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी सीबीआई के मामले में जेल में बंद है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब सीबीआई के मामले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को जो 3 बेल ऑर्डर दिए गए थे वो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के अधीन थे, लेकिन इस वाली बेल पर जो डिमांड की गई है ये बिना सेक्शन 45 के है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब इस पूरे मामले को रखा गया, क्या तो वो पद किया गया, तो उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है उनको कहा कि आप इस मामले को ईमेल कीजिए, ईमेल के बाद चीफ जस्टिस ये देखेंगे कि इसकी सुनवाई कब करनी है और इस पर क्या कुछ निर्णय दिया जा सकता है। जी, जमानत याचिका भी दायर की है आयुष। जी बिल्कुल, देखिए जमानत याचिका जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई है। इसका कारण ये है कि जब ईडी के मामले में उन्हें जमानत दी गई थी तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आधी जीत तय हो गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई दोनों के मुकदमे चल रहे थे। ऐसे में ये चीज कही जा सकती थी कि आधी जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली, लेकिन आधी कहां लंबित रह गई, वो रह गई सीबीआई के मामले में, क्योंकि ईडी में जब उनके ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया और जब इसमें इतना लंबे समय लग गया, सुनवाई चल रही है काफी देर से, अरविंद कई दिनों से, कई महीनों से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर न्यायिक हिरासत में बंद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी थी कि अगर ईडी देरी कर रही है जांच करने में तो इसका जो नतीजा है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं भुगतना चाहिए और उनको अधिकार है। आर्टिकल 21 हमारे संविधान का, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ हमें देता है, जिसके तहत अगर सुनवाई में देरी हो रही है या जांच में देरी हो रही है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको जमानत दी जानी चाहिए, ये जमानत उसका अधिकार है। इसमें बहुत टीकी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये जो अटक गई थी वो थी सीबीआई के मामले में, कि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देता है तो मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आयुष आपने बताया कि ये तो है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं याचिकाएं लगा रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं, और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में भी देखने को मिला था। बात की जाए, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं और तो उसके बाद फिर किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अभी ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं क्या।
बिल्कुल देखिए, जहां तक बात की जाए राजनीति की, तो देखिए आम आदमी पार्टी में भी एक खिंचतान देखने को मिली थी जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी। यानी आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे, एक सीएम और एक डेप्यूटी सीएम, दोनों तिहाड़ जेल के अंदर बंद हो गए। अब यहाँ पर खिंचतान होने लगी कि आखिर दिल्ली को कौन संभालेगा, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे। और क्योंकि भाजपा यहाँ पर विपक्ष में है, तो विपक्ष के तौर पर भाजपा ने भी कई सवाल खड़े किए कि आखिर दिल्ली किसके हाथों में रहेगी, दिल्ली की देखभाल कौन करेगा। आशीषी और सौरभ भारद्वाज का नाम यहाँ पर सामने आने लगा था कि इन दोनों में से कोई एक दिल्ली की कमान संभाल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया था कि ये सरकार जो है जेल से चलेगी, जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, तो इस चीज को लेकर भी काफी राजनीति हुई थी। लेकिन अब क्योंकि मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा बड़ा चेहरा थे आम आदमी पार्टी में, अब वो बाहर आ गए हैं। हालांकि डेप्यूटी सीएम की कुर्सी आशीषी को दी जा चुकी है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि मनीष सिसोदिया क्या वापस डेप्यूटी सीएम बनेंगे या कोई और मंत्रालय उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि जो एक बार डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं जाहिर सी बात है वो अपना डिमोशन करवाना पसंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल 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 आयुष, आपने सही कहा। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जो है जमीन पर उतरी थी और उन्होंने भी काफी संदेश जो है जनता तक पहुंचाए थे। फिलहाल आप बने रहिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट हम